ये आप सारी चीज़ें देखेंगे तो बड़ा प्यारा लगता है, ये देखिए ना। और वहाँ पे नीचे बोटिंग वगैरह हो रही है, राजभवन जो बर्मिंघम की तरह है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ये देख रहे हैं आप। ट्रॉली वापस इधर को आ रही है ना, तो आप लोग हम इसमें जाएंगे। यार अभी हम लोग खड़े हैं लवर्स पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं पूरा, इतना प्यारा व्यू है। ये रास्ता है नैनीताल का, और जो सामने आप देख रहे हैं ना वहाँ है नैनीताल। तो सोचने वाली बात यह है कि इन पहाड़ों पर जो है वो ताल अटकी हुई है और वहाँ से पानी भी नहीं गिरता है वगैरह वगैरह। नगरी नैनीताल में आपका स्वागत है, और पहुंच चुके हम लोग नैनीताल। ये देखिए यहाँ का व्यू, ये पुराने मकान कितने प्यारे लग रहे हैं, रिजॉर्ट टाइप में पता नहीं क्या क्या है। चुके हैं नैनीताल में और ये यहाँ पर रुकते हैं जरा, ये रुको। वाह, ये है व्यू भैया नैनीताल की, चारों तरफ की सुंदर सुंदर वादियों के बीच हम लोग आ। चलिए मच्छियाँ देख रहे हैं यार, इनका पहला एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? मतलब यार पहली बार ये एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, कैसा है? अच्छा लग रहा है। ये है नैनीताल की मॉल रोड, ये पूरी बड़ी प्यारी लग रही है, ताल के बिल्कुल ठीक साथ साथ चलती है। यहाँ की नैनीताल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह ये सारी चीज़ें ना एक साथ है, एकता है। अंदर माँ नैना देवी के दर्शन करके आते हैं, अंदर चलते हैं। चलो भाई अंदर चलो। और गाइस यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपनी आपकी विश वगैरह आपको मांगनी है, एक चुन्नी को बांध कर विश वगैरह मांग सकते हैं। बड़ा प्यारा है, सब कुछ अद्भुत है। और माँ नैना देवी, जय जगत माता, आदिशक्ति जगदम्बा, ऐसे मतलब कितना प्यारा व्यू है। ये पेड़ पौधे, ये सुंदरता, सब कुछ बड़ा ही अद्भुत है। और नैनीताल में बसा ये शिवलिंग नैना देवी मंदिर में, तो बड़ा ही अद्भुतता का विषय है, बड़ा ही सुंदर। प्रकृति की चट्टानों के बीच ये भव्य और सुंदरता, साथ ही मन को लुभा देने वाला, भावुक कर देने वाला और मन में भक्ति को उत्पन्न करने वाला अद्भुत स्वरूप है ये माँ नैना देवी मंदिर का। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप देखिए सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। हाँ, मछलियाँ तो इधर बहुत है गाइस। ये देखिए डूब गई। हमको जो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज लगी वो यही कि यहाँ पर गुरुद्वारा, और बगल पे आप लोग देख सकते हैं जिद भी है, चर्च भी दिख जाता है सामने, गुरुद्वारा और उधर नैना देवी मंदिर। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ही प्यारा है, अद्भुत है और अद्भुतता का विषय भी है। और नैनीताल की वादियों के बीच में अगर आप यहाँ आते तो एटलीस्ट जिस भी धर्म को आप मानते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर आप चीज़ें खरीदना चाहे तो ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं, सब चीज़ें मिल ही आती हैं लगभग यहाँ पर। स्ट्रीट फूड आपको तरह तरह के बंस, ऑमलेट्स, मैगी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए समोसे, चाय वगैरह। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, चाइना पीक पर जाएं जहां टॉप से सब कुछ दिखता है, लेकिन अभी ना जंगलों में आग लग रखी है और धुंध का माहौल है, बहुत ज़्यादा धुंध धुंध हो रही है, आप देख रहे होंगे व्यू भी क्लियर नहीं है। ये आप सारी चीज़ें देखेंगे तो बड़ा प्यारा लगता है, ये देखिए ना। और वहाँ पर नीचे बोटिंग वगैरह हो रही है, और ये वहाँ पर आप ऊपर ऊँचाई तक देखेंगे, चोटियाँ देखेंगे यहाँ पर, तो ऊँची चोटी। हम लोगों का प्लान तो था खैर चाइना टॉप पर जाएँ, लेकिन धुंध वाकई में बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ढंग से दिखेगा नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं राजभवन की तरफ, ये राजभवन नैनीताल में है जो इंग्लैंड में बर्मिंघम है, ठीक उसी तरीके से है। तो अभी हम उधर की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एंटर इन राजभवन। राजभवन जो बर्मिंघम की तरह है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ये देख रहे हैं आप। यू कैन चेक द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, यू कैन सी। अगर आप आते हैं नैनीताल में तो यहाँ पर जरूर आइए, ये ठीक वही है बर्मिंघम की तरह है, जैसा बर्मिंघम देखा है आपने इंग्लैंड में, ठीक वैसे ही राजभवन है यहाँ नैनीताल में। 50 रुपये यहाँ की टिकट है, अंदर एंटर करते हो और बच्चों के साथ आते हो तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं बच्चों के। और ये देखिए बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा है, मतलब लगा यार नैनीताल में कुछ ये नई चीज़, यूनिक चीज़ देखी मैंने। ये देखिए ये है पूरा व्यू, पूरा का पूरा व्यू आप देख रहे हैं, ये है राजभवन नैनीताल। भी है कि सभी लोगों को इकट्ठा लेके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इनसाइड साइड में भी अंदर की चीज़ें दिखाएंगे, तो चलें अंदर। अंदर अंदर भी जा रहे हैं। ये बिल्डिंग बनी है 1897 ठीक है जी, उस वक्त बनी है ये उड़द की दाल से। उड़द की दाल से कितनी बढ़िया है, लाइटिंग वगैरह ना अलाउड नहीं है कैमरा यहाँ पर, लेकिन हमने फिर भी बना दिया। और इसी से 1857 के लगे हुए हैं, अब जो भी देखा अंदर, यहाँ पर कैमरा तो अलाउड अंदर नहीं है इनसाइड में, क्योंकि पब्लिक के लिए खोला भी नहीं जाता कहते हैं, और कभी कभार इसको पब्लिक के लिए खोला जाता है। और अभी मतलब जैसे कोई रहने के लिए आता है प्रेसिडेंट वगैरह तो यहीं पर रहते हैं, और क्योंकि ये भवन है यहाँ पर अंग्रेज रहे हैं, तो ऐसा जो आपने राजभवन देखा होगा नहीं देखा होगा क्योंकि, और कहते हैं कि उड़द की दाल का बना हुआ ऐसा कुछ बता रहे थे अंदर।
मतलब जो भी है अल्टीमेटम अंदर कुछ देखने लायक है, पुरानी लकड़ियाँ, पुरानी चीज़ें, पुरानी इमारतें हैं, कैसे अंग्रेजों को हमारे इंडिया के लोग उठा के ले जाया करते थे कुर्सी वगैरह में, तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमको दी यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें देखने को। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ से रास्ता जाता ऊपर को टिफिन टॉप, और यहाँ से हॉर्स राइडिंग के थ्रू भी आप ऊपर को जा सकते हैं टॉप पे। एंड अभी हम लवर्स पॉइंट है, नीचे को लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, नीचे को जरा लवर्स पॉइंट देखते हैं है क्या ऐसा यहाँ पर। ऊपर चलते हैं भैया, यही है भैया लवर्स पॉइंट। अब आके देखो यहाँ नीचे बन रखे हैं यहाँ पे, और क्या, यहाँ से देखो ऊपर को चलो भैया। तो यही है भैया लवर्स पॉइंट, हटो ना जरा, दिखा ना यहाँ से कैसे दिखता है। मैं दिखाता हूँ, ये लो दिखाओ जरा। तो यार ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लवर्स पॉइंट है, नीचे खाई जैसा दिख रहा है ये, और यहाँ पर लोग आके फोटो वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कपल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, अलग अलग ड्रेस में पहने हुए लोग यहाँ पर इनके साथ फोटो वोटो खिंचा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो गाइस यार अभी हम लोग खड़े हैं लवर्स पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं पूरा खाई खाई दिखेगी नीचे को, और पहाड़ों में धुंध है क्योंकि आग लगने की वजह से, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा। हाँ ये देखें पूरा नैनीताल लवर्स पॉइंट, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। पॉइंट भी आप यहाँ पर आ जा रहे हो ना, तो ऐसे ही पहाड़ है, नीचे खाइयाँ दिख रही हैं, चाहे आप लवर्स पॉइंट पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बस अलग अलग पॉइंट का नाम दे रखा है। तो बस ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या जाना है, तो बस वही चीज़ है। हम लोग यहाँ से आगे भी निकलते, हमने देखा ना था बस भाई कैसा है क्या है, बस वही है, बाकी अलग अलग पॉइंट के सेम नाम दे रखा है। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली के पास में, ये है हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल, आप देख रहे हैं ये देखें, ये पूरा हाई कोर्ट का एरिया है नैनीताल का, ये देखें, और यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली रूपवे करने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ, और ऊपर लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखा सर यहाँ पर रूपवे करते हैं, जरा देखते हैं क्या है। एक चीज़ भी बड़ी अच्छी है ना बच्चों के खेलने के लिए, ये देख रहे हो कार वगैरह का ना, ये देखो सभी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, मतलब बड़े लोग सभी लोग। यहाँ पे जो इसके प्राइसिंग है ना, 150 rupees ओनली फॉर 5 minutes। तो यार हमको तो ट्रैवल में जाना है, बस वहाँ ऊपर ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे रूपवे का ये पे प्राइसिंग वगैरह आ गई है यहाँ पे, ये देख लो क्या बता रखा है इन्होंने, रूपवे की प्राइसिंग यहाँ पर बता रखी है ना, बोथ वे अडल्ट के लिए 300 rupees, चिल्ड्रन के लिए 200 rupees, 3 to 12 years, मतलब सारी चीज़ें। चलो यहाँ पर हम टिकट विकट का देखते हैं, आगे चलते हैं। हमने 2 tickets ले रही थी ये, और अब वहाँ पर जो है ट्रॉली वापस इधर को आ रही है ना, तो अब लोग हम इसमें जाएंगे, देखते हैं फिर किस तरीके से होता है क्या होता है। Get started man, कैसा लग रहा है, यहाँ से नहीं क्या कुछ दिखने वाला, दिख तो रहे हैं, दिख रहा है इधर का व्यू, ये लोग ऊपर ऊपर जाते हुए।